हेलो दोस्तों, डीएच डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गन फायरिंग की आवाज को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस साइलेंसर के बारे में, जिसे साउंड सप्रेशर और साउंड मॉड्यूलेटर के नाम से भी जाना जाता है। साउंड सप्रेशर गन फायरिंग की आवाज को पूरी तरह से तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन काफी हद तक कम जरूर कर देता है। इसका इस्तेमाल पिस्तल, राइफल, स्नाइपर के लिए किया जा सकता है। सभी के लिए अलग अलग प्रकार के साउंड सप्रेशर का निर्माण किया जाता है, जो पूरी तरह से गन की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। साउंड सप्रेशर मेटल का बना होता है। इसके निर्माण में स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोल सिलेंडर जैसी ट्यूब वाला होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे साउंड बफल यानी ध्वनि वादक लगे होते हैं। साउंड सप्रेशर की लंबाई 4 इंच से लेकर 2 फीट तक हो सकती है। इसे गन बैरल के आगे कभी भी लगाया या हटाया जा सकता है। ये पूरी तरह से डीअटैचेबल होता है। आखिर साउंड सप्रेशर काम कैसे करता है ये जान लेते हैं। फायरिंग के दौरान जैसे बुलेट बैरल से बाहर निकलकर साउंड सप्रेशर में पहुंचती है, जलते हुए गन पाउडर से उत्पन्न प्रोपेलेंट गैस साउंड सप्रेशर में आधे तिरछे लगे साउंड बैफल से होकर गुजरती है, जिससे बैरल के मुकाबले साउंड सप्रेशर में प्रोपेलेंट गैस को ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया मिलता है और प्रोपेलेंट गैस का दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण से फायरिंग साउंड भी कम हो जाती है। साउंड सप्रेशर फायरिंग साउंड को सिर्फ कम कर सकता है, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता। अब आखिर में बात कर लेते हैं साउंड सप्रेशर के सबसे बड़े डिसएडवांटेज के बारे में। साउंड सप्रेशर काफी लंबा होने की वजह से एक तो ये गन की एक्यूरेसी को कम कर देता है, जिससे लंबी दूरी के निशाने में सटीकता और स्थिरता नहीं मिल पाती। दूसरा डिसएडवांटेज भी साउंड सप्रेशर के लंबे होने की वजह से ही होता है। ज्यादा फायरिंग से साउंड सप्रेशर गर्म होकर टूट जाता है, जो इसके परफॉर्मेंस को कम कर देता है। बस इस वीडियो में इतना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।